यहाँ पे मेरे पास एक किट लेंस है कैमरा में जो मैंने लगाया है, एंड इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल ब्लर इफेक्ट एक किसी भी किट लेंस के साथ। अब वो चार चीज़ें कौन सी हैं, हम प्रैक्टिकली करते हैं एंड देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल सेटअप है, आप देख सकते हो इस फ्रेम में जहाँ पे एक कैमरा है एंड इसको मैंने एज अ प्रॉप रखा हुआ है। सबसे पहले फोकल लेंथ को हम यूज़ करेंगे, बिकॉज फोकल लेंथ में क्या होता है, किट लेंस में आपको वेरिएशन मिलता है। सो यहाँ पे मेरे पास 15 से 45 है। सबसे पहले मैं एक शॉट लेता हूँ, सबसे वाइड यहाँ पे 15 mm है, सो 15 mm पे एक शॉट लेता हूँ। सो ये 15 mm पे है, आप देखोगे ब्लर इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। अब मैं नेक्स्ट शिफ्ट करता हूँ इसको 24 mm पे, एक और शॉट लेते हैं, फोकस मेरा कैमरा के ऊपर है। अब यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे थोड़ा ब्लर इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 15 mm। नेक्स्ट फोटो के लिए मैं 35 mm पे आ जाऊँगा, अगेन आई विल फोकस ऑन द कैमरा। अब इस शॉट में आप देखना कंपेयर टू पिछला वाला जो फ़ोटो है ब्लर इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब लास्ट जो मेरे पास फोकल लेंथ है इसमें 45 mm। अब 45 mm में जब मैं फ़ोटो लेता हूँ, अब बाकी फ़ोटो से अगर मैं कंपेयर करूँगा इस फ़ोटो में सबसे ज़्यादा ब्लर इफेक्ट रहेगा, बिकॉज हमने इसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम रखी है। सो यहाँ पे यही टेक है, जब आप चाह रहे हो कि आपका मैक्सिमम ब्लर इफेक्ट रहे, आपको मेक श्योर करना है आपका जो फोकल लेंथ है किट लेंस में वो मैक्सिमम रहे। अगर 18-55 है, आप ट्राई करो 50 से 55 mm रखो, सो दैट आपको मैक्सिमम पॉसिबल ब्लर इफेक्ट मिल सके। अब सेकंड चीज़ जो मेरे को ध्यान रखनी है वो है एपर्चर वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट मैक्सिमम ब्लर इफेक्ट। अब प्रैक्टिकली अगेन करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा मैं F16 से। पहले मैं F16 पे एक फ़ोटो लेता हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो F16 पे है ब्लर इफेक्ट, हार्डली कुछ ब्लर इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं F16 से सीधा F8 पे जाता हूँ, एक और फ़ोटो लेता हूँ। अब आप देखोगे ब्लर इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू F16। अब इस फोकल लेंथ पे, इस किट लेंस में मेरे को F6.3 मिनिमम एपर्चर वैल्यू मिल रहा है, तो उस पर मैं शॉट लेता हूँ। अब यहाँ पे जो मिनिमम एफ वैल्यू है F6.3 है 45 mm पे। सो ये एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे मैं जो पॉसिबल ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ पे अचीव कर सकता हूँ। अब आता है कि अगर मेरे को और ब्लर इफेक्ट चाहिए तो मैं कैसे ला सकता हूँ, उसके लिए आता है हमारा थर्ड टिप जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कैमरा टू सब्जेक्ट का डिस्टेंस। अभी आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है मेरे कैमरा में और जो सब्जेक्ट है जो एक और कैमरा है। अब एक फ़ोटो मैं इसी डिस्टेंस से लेता हूँ, मेरा फोकल लेंथ मैक्सिमम है, अपर्चर वैल्यू मिनिमम है 45 mm पे F6.3 पे। ये एक शॉट है, अभी आपको ब्लर इफेक्ट दिख रहा है, इट्स गुड इनफ। अगर मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, आई ट्राई कि मैं कैमरा टू सब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कम करता जाऊं। सो अभी मैंने थोड़ा कम करा है डिस्टेंस, अब मैं फोकस करूंगा सब्जेक्ट के ऊपर। अब जो शॉट है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्लर इफेक्ट देगा, बिकॉज कैमरा टू सब्जेक्ट डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा उतना ब्लर इफेक्ट बढ़ता जाएगा। सो ये तीसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। मैं एक और ट्राई करता हूँ थोड़ा और पास ले जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इतना रख लेता हूँ, अब अगर मैं सब्जेक्ट पर फोकस करता हूँ, अब जो मैं शॉट लूँगा ये मेरे को और ज़्यादा ब्लर इफेक्ट देगा। सो जितना पास हो सके, जहाँ पे कैमरा फोकस कर सकता है आप उतना पास ले जाओगे तो आपको ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा। अब तीन चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फोकल लेंथ मैक्सिमम, एपर्चर वैल्यू मिनिमम, तीसरी चीज़ है कैमरा टू सब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हम ट्राई करेंगे जितना कम होगा उतना मैक्सिमम ब्लर इफेक्ट आ पाएगा। लास्ट चीज़ जिससे आप किट लेंस से ब्लर इफेक्ट ज़्यादा कर सकते हो वो है सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड का डिस्टेंस। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मेरा ये सब्जेक्ट है एंड बैकग्राउंड मेरा ये फेंस है, तो जितना मैं इसके पास रखूँगा उतना मेरा ब्लर इफेक्ट कम अचीव्ड होगा, जितना मैं इसको बैकग्राउंड से दूर करूँगा उतना ब्लर इफेक्ट ज़्यादा आता जाएगा। सो यहाँ पे जो आप साइड बाय साइड इमेजेस देखोगे, जब मेरा सब्जेक्ट बैकग्राउंड से ज़्यादा दूर है तो ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिलता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, जिससे आप अपने किट लेंस से ब्लर इफेक्ट इंक्रीज कर सकते हो। सो ये चार चीज़ें थी जिनको आप अगर ध्यान में रखते हो आप एक बेसिक किट लेंस से अपना ब्लर इफेक्ट मैक्सिमम कर सकते हो। सो आई होप ये एक बेसिक वीडियो था बट काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर यूजफुल था डू हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।